क्वेश्चन नंबर वन राइटर पहला आपका किता सी बेबे जी वार्तक लेख पहला मैंने दसो वार्तक लेख कहते कि हाथ खड़ा करना वार्तक लेख कहते कि दिया हां बापरे होवे जरूरी नहीं बायोग्राफी पौधे जीवनी स्वै जीवनी ओके आ सकता है बट एदा एग्जैक्ट है कि मीनिंग की है दा डेफिनेशन की है लेखक दे बारे जानकारी कितने मिलती वार्तक बेबे च भी तुहानू लेखक बारे जानकारी मिली वार्तक दा मतलब अनुभव ओके कह सकते हैं और जरूरी नहीं वार्तक मीन्स सी बच्चे कविता ठीक है लिटरेचर जेड़ा है साहित्य दे दो रूप होंदे ने एक होंदा है कविता एक होंदा है वार्तक ठीक है कविता दे विच कविता जड़ी नजम आ गई गजल आ गई ठीक है वो सारी उदे विच आंदी पोटिकल फॉर्म दे विच ध्रुनिक उदे विच लय ताल होवे ठीक है अजकल खुली पोइट्री भी चलती है मीनस उदे विच तुकांत नहीं हुंदे वार्तक दे विच स्वै जीवनी जीवनी कहानी ठीक है सारा कुछ आ जाता हूँ वार्तक हुंदा की है कि जिहदे विच आपां अपने विचारां नूं प्रगट करते हैं ठीक है ना करते तो आप कविता दे विच भी हाँ पर उहदे विच लय तुकांत हुंदा है रिदम हुंदी एक वार्तक दे विच आपां हुण बेबे जी चैप्टर पढ़े इहदे विच जरूर थोड़ी ना कि हर दे विच आउंदा गाउंदा जांदा ही आवे ठीक है एक लेखक ने अपने विचारां नूं प्रगट कीता हुंदा है ठीक है लैंग्वेज उहदी ठेठ भी हो सकती है सरल भी हो सकती है ठीक है क्लियर है सो वार्तक मीन्स विचारां दे पावां नूं प्रगट करना प्रॉपरली प्रगट करना लै तुकांत तो बिना उहनूं आपां कहिंदे आ वार्तक ठीक है सो आपां बेबे जी चैप्टर पढ़िया सी इहदे विच कहा की गया है लवलीना ठीक है लेखक ने इस विच की किता है अपने उन्हें बचपन नु बयान किया पास्ट विच जांदा पहला ठीक है प्रेजेंट की गल नहीं है इस विच पास्ट विच जांदा उन्हें देखता है कि उदी जिहड़ी बेबे जी है उदी माता ठीक है वह बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग है हर टाइम घर के कामों विच लगी रहती है हसमुख भी है क्योंकि काफी आपां उहदे विच गल्लां पढ़ियां ना जिहदे विच उह हासे वालियां गल्लां करदी है जिस तरह उह बस विच चढ़दे दी गल करदी है ना जिहदे विच उह भुजिया खाण वाला सीगा बाकी उह उहदी वोकैबलरी जिहड़ी है बहुत ज्यादा वास्ट है ना किन्नियां सारियां गल्लां करदी किन्नियां एग्जाम्पल्स लैंदी है ठीक है बहुत बहादुर है अपने मुंडे नूं भी बहुत ज्यादा बहादुरी दियां सिखांदी है कि जे आपां इक वारी कोई चीज तो हार मान लईए तो आप कभी भी हिम्मत नहीं छड़ देंगे आप कॉन्टीन्यूसली कोशिश करते रहने ठीक है ठीक है हिम्मती सी सुगर सियानी सी ठीक है ओदे जिहड़े पेरेंट्स सीगे वो काफी ज्यादा अमीर सन रिच सी पर ओदा घर गरीब घर च होया सीगा ओदे भरा भरजाई जिन्ने भी सीगे ओनू कदी कुदी कुछ दे जांदे सीगे पर ओह कदी मूंहों नहीं सी मंगदी फिर ओदी अपनी भरजाई का जिक्र आया सीगा गुरदयाल कौर ठीक है ओदी ओदी उन्होंने खूबसूरती की गल की है कि बहुत ज्यादा सोहनी सीगी ते ओ ओनू मामी ओदी तो भरजाई लगी लेखक की मामी लगी ठीक है ना ते ओ गोदी कहती है कि जिहड़ा ओदा पेका घर है हुण ओदा नहीं है पर फिर भी ओ कि अपने पिंड नाल जुड़ी हुई सी जिथे ओ व्याही हुई सी नहीं अपने घर नाल बिल्कुल भी जुड़ी नहीं सी उहनूं अपनापन कदी फील ही नहीं सी होया ठीक है ते एंड ते फिर लेखक नूं उह कहिंदी है कि तुसीं की हो मेरे घर दियां चाबियां ते उह खुद की है ताला है उह
ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਖੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲ ਸੀਗੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਰਾਈਟਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਡਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਜਨਮ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ। ਆਰ ਲਿਸਨ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਵਨ ਵਰਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ 20 ਜੂਨ 1953। ਜਨਮ 20 ਜੂਨ 1953। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਾਤਾ ਹੈ ਰਾਏ ਕੌਰ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਿੰਡ ਘੱਗਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਘੱਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਕਿੱਤਾ ਮੀਨਸ ਕੰਮ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿੱਤਾ। ਕਿੱਤਾ ਲਿਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮਤਲਬ ਐਜ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਸਨ, ਮਤਲਬ HOD ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਸਨ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ। ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਸਨ। ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਓ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ
सब पॉइंट सेकंड बना लो प्रोफेसर, फिर सेकंड सब पॉइंट यूजीसी दे यूजीसी ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दा हुंदा है, ठीक है, अंडरग्राउंड कमीशन, ओके, ओदे विच की हुंदा है कि जिन्हां ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली हुंदी है ना उन्हां दा एक पेपर हुंदा है, अगर उन्हों आपा क्लियर कर लेंदे हां फिर तुहानू लेक्चरर वगैरह दी पोस्ट मिल जांदी है, ठीक है, वो एक डिग्री हुंदी है अलग लेक्चरर वगैरह दी, ठीक है, डिग्री ए यूजीसी दे अंडर पेपर हुंदा है, ठीक है, पेपर क्लियर करन तो बाद विच फिर, बट ये पेपर क्लियर करना थोड़ा टफ हुंदा है क्योंकि इहदे विच पूरे ही जिस तरह मान लो कि पंजाबी दी यूजीसी है ते इहदे विच पूरा ही लिटरेचर आएगा, पूरा लिटरेचर, इंग्लिश दी है उहदे विच पूरा लिटरेचर, एक पर्टिकुलर क्लास नहीं हुंदी, ठीक है, इदां ही जिन्हां ने एमएड कीती हुंदी है उहनां दा एजुकेशन दा हो गया, जिस तरह बीएड कॉलेजेस लगे होंगे प्रोफेसर, ठीक है, उन्होंने भी यूजीसी होंगी है तो उन्होंने भी बी एड एम एड का सारा कुछ जो साइकोलॉजी फिलोसफी सब कुछ आता है, ठीक है, ओके, यूजीसी दे बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट स्टडीज आते सेंटर फॉर गुरु नानक स्टडीज दे डायरेक्टर वजो भी इन्होंने सेवा निभाई, स्टडीज आते सेंटर फॉर, हाँ जी बना लो, वैसे मैं किता विच लिखा रही हूं, तुसी अलग पॉइंट बनाना है तो तुसी बना सकते हो, हाँ जी हाँ जी, यूजीसी दे बुद्धिस्ट स्टडीज अते सेंटर फॉर गुरु नानक स्टडीज से डायरेक्टर, वो ये वाला ना पूरा सेंटर फॉर गुरु नानक स्टडीज दे डायरेक्टर, ठीक है, ए ओदे वलो भी सेवा निभा रहे हन, हन मींस हुंदी है, क्लियर है जी, ए लिख लो ए कितने दे विच आएगा, ओके, एनु कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट एदे विच ही आएगा किता दे विच ही, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉट सब पॉइंट बना लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आते धर्म अध्ययन यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आते धर्म अध्ययन यूनिवर्सिटी कुम, ये यूनिवर्सिटी का नाम है कुम, जो के किथे है ईरान विच, ब्रैकेट विच भी लिख लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली विच है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कितने है अमृतसर विच, ठीक है, ते जड़ी आ है धर्म अध्ययन यूनिवर्सिटी कुम ए है ईरान दे विच, ओदे हे रहे ने विजिटिंग प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर मीन्स नो विजिटिंग किनू कहंदे आपां, कदी कदी
विजिटिंग प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, तरम अध्ययन यूनिवर्सिटी कुंभ दे हे विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। ठीक है, एक कितने दे विच हो गया। ओके नेक्स्ट पॉइंट बना लो, फोर्थ फोर्थ या फिफ्थ बना लो, फोर्थ या फिफ्थ जो भी है। रचनावां, रचनावां बोला, लिख लिया। फर्स्ट लिखो गुरु नानक दा कुदरत सिद्धांत। इन्होंने मोस्टली धर्म अध्ययन ते ही अपनियां रचनावां कीतियां सीगियां क्योंकि ओदे ही ये प्रोफेसर रहे सन। गुरु नानक दा कुदरत सिद्धांत, गुरु नानक दा कुदरत सिद्धांत। फर्स्ट गुरु नानक दा कुदरत सिद्धांत, सेकेंड सिख धर्म विच काल अते अकाल दा सिद्धांत। रचनावां, सिख धर्म विच काल अते अकाल दा सिद्धांत। यस अश्मित, मैं एक बार वो थर्ड पॉइंट दोबारा बोलना मैम। दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अते धर्म अध्ययन यूनिवर्सिटी कुंभ लिखा होया है। धर्म अध्ययन यूनिवर्सिटी कुंभ दे विजिटिंग प्रोफेसर रचनावां पहली है गुरु नानक दा कुदरत सिद्धांत, सेकंड है सिख धर्म विच काल अते अकाल दा सिद्धांत, भारत दे पुरातन धर्म, तीसरी इन्हां दी काव्य रचना भारत दे पुरातन धर्म, धर्म तो बाद विच ना सेमीकोलन पा के लिखियो, एक सर्वेक्षण सर्वे। हां जी, पहली है गुरु नानक दा कुदरत सिद्धांत, ठीक है, दूसरी है सिख धर्म विच काल अते अकाल दा सिद्धांत, राइट, तीसरी है भारत दे पुरातन धर्म, दो बिंदियां पाके एक सर्वेक्षण, मतलब इन्होंने उस ते जो एशियंट होएगा धर्म उत्ते इन्होंने सर्वे किया, सर्वेक्षण मीन सर्वे। ओके, ए हन इन्हां दियां धर्म अध्ययन ते पुस्तकां, ठीक है, इन्हां दियां धर्म नाल रिलेटेड। वैसे इन्हां दियां कॉमन रचनावां वो भी लिख लो, पुस्तकां लिख लो, पहला जिहड़ा तुसीं रचना वाला बनाया ना उहदे ब्रैकेट विच पा लो धर्म अध्ययन नाल संबंधित, ठीक है, जिहड़ियां आपां तीन पुस्तकां कीतियां उह धर्म दे नाल संबंधित सीगियां। ओके, हुण नैक्सट विच कर लो पुस्तकां, इन्हां दीआं कुछ प्रसिद्ध पुस्तकां, गौतम तो तास्की तक बुक है, तास्की का मतलब मैनू नहीं पता, मे बी आई थिंक किसी पर्सन का नाम है, गौतम पर्सन है ना, गौतम तो, हां जी, गौतम तो तास्की तक, स्पेलिंग लिख लोगे, आठ तो बंदगी तक, विश्व चिंतक रविंद्रनाथ टैगोर, विश्व चिंतक रविंद्रनाथ टैगोर सेम है, जस्ट रूप दोबारा बोला, गौतम तो तास्की तक, तास्की गौतम तो तास्की तक, सेकंड है आठ तो बंदगी तक,
ठीक है, थर्ड है बिशप चिंतक पे रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ जी, कला तो परमात्मा दी भक्ति तक का सफर, परमात्मा दी भक्ति, विश्व चिंतक रविंद्र नाथ टैगोर, तीन ने इन्हां दी प्रसिद्ध पुस्तक। ठीक है, इन्ना ही है इन्हां बारे। ओके, लिख लो इन्हू, कंप्लीट कर लो, कल आप पढ़ांगे और करांगे बेबे जी नारी लेकर शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, और उन्होंने आंसर्स तुसी ही मैनू देने ने।